ठीक है, आप सब लोगों से असाइनमेंट बन गया है और ये अब समरी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। किसी भी चैप्टर का ना समरी पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि वो चैप्टर आपका थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाता है और वार्म अप भी हो जाते हो आप। ठीक है, लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग एंकर एलिमेंट, सही है, एंकर एलिमेंट से हमेशा लिंक क्रिएट होता है। अच्छा, ये वैसे तो आपने खुद से पढ़ना है लेकिन एक दफ़ा मैं थोड़ी आपको आदत डालने के लिए खोला है मैंने। अच्छा, द एंकर टैग एलिमेंट यूजेस द एच रेफ एट्रीब्यूट टू इंडिकेट द पेज यू आर लिंकिंग टू, कि जिस पेज पे भी आपको जाना है, चाहे वो सेम पेज हो वेबसाइट का, चाहे वो कोई दूसरी वेबसाइट हो या चाहे कोई दूसरा पेज हो, एच रेफ के ज़रिए वो हमें बताना होता है कि हमें कौन से वाले, मतलब इस पर क्लिक करने से कहाँ पर चला जाइए। अच्छा, इफ़ यू आर लिंकिंग अ पेज विद इन योर ओन साइट द बेस्ट यूज़ इज़ रिलेटिव यू आर एल, अगर आप अपनी, जैसे हमने चार पेज वाली वेबसाइट बनाई थी तो बटन के क्लिक पे अपनी ही वेबसाइट पे जब नेविगेट करते हैं आप तो क्या होता है कि आपको रिलेटिव यू आर एल यूज़ करना होता है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये समरी आपने ज़रूर पढ़नी है। यू कैन यूज़ आई डी एट्रीब्यूट टू टारगेट एलिमेंट विद इन अ पेज यू कैन लिंक टू, ठीक है, सेम पेज पे जो नेविगेशन है वो हम आई डी के थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इमेजेस का। इसमें तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हाउ टू ऐड इमेज टू पेजेस, चूजिंग द राइट फॉर्मेट, कि एक तो इमेज को ऐड कैसे करना है और जब हम इमेज को ऐड करेंगे तो व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेट फॉर दैट इमेज, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ऑप्टिमाइजिंग इमेज फॉर द वेब, अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है हमें वेब के लिए। अच्छा, ऑप्टिमाइज का मतलब है कि, ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है पता है किसी को? साइट। अच्छा, कभी भी मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ करूँ ना जिसका मतलब आपको ना पता हो तो पूछ लिया करो फॉरन, ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ पलट के कि ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है। बंद कर दूँ इसको, शोर कर रहा है। सर, ऑप्टिमाइज मतलब है इसको और बेटर वे में। ऑप्टिमाइज का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है। देखो, बारिश होती है, पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो सैलाब आ जाता है। तो अच्छा, अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? पानी नहीं आता है, फसलें सूख जाती हैं सारी। तो अगर बारिश बिल्कुल ना हो तो ये एक एग्जैजरेशन है, अगर बारिश दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाए तो वो भी ओवरवेलमिंग है। तो बारिश चाहिए और मुनासिब चाहिए, तो दैट इज़ जो दरमियानी जो चीज़ है ना उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज, ठीक है, कि ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए, एक ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको हम लेके चलते हैं जब चीज़ों को, तो उसके लिए मैडम यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइज। सही हो गया, समझ आ गया ऑप्टिमाइज किस चीज़ को कहते हैं हम। आप एक मोबाइल फ़ोन होता था पुराने ज़माने में, जब उस पर चार्जिंग की पिन लगाते थे ना तो वो लिखा हुआ था ऑप्टिमाइज चार्जिंग, एक फ़ोन होता था। तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग का मतलब है कि ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ चार्ज कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है, क्योंकि तेज़ चार्ज करने से बैटरी गर्म होकर ख़राब भी हो सकती है और स्लो चार्ज करने से आपका टाइम ज़ाया होता है, तो वो ऑप्टिमाइज चार्जिंग है। अभी नए वाले फ़ोन में एक अंदर सेटिंग में जाके ऑप्शन भी होता है कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग का एक सेटिंग होती है, तो वो आप अगर ऑन कर देते हैं तो वो क्या करता है, जब फ़ोन गर्म होता है तो उसकी चार्जिंग वार्जिंग थोड़ी स्लो करके उसको ऑप्टिमाइजेशन में रखता है, तो ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है। तो इमेजेस में ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये इमेज की वैल्यू क्या है वो ज़रा ये समझा रहा है कि देर आर मैनी रीजन्स वाई यू माइट वॉन्ट टू ऐड एन इमेज टू अ वेब पेज, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसकी बिना पे आप अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाना चाहेंगे। सही है, वैसे तो आप लोगों को पता है आप लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, लेकिन ये बिल्कुल लेमैन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि बहुत सारी वजह हो सकती है कि आपको इमेज लगाने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, यू माइट वॉन्ट टू इंक्लूड अ लोगो, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम और अ चार्ट। कह रहे हैं कि जाहिर है अगर कोई सोशल मीडिया साइट है उस पर फ़ोटोज़ होती हैं, या कोई अगर फाइनेंशियल साइट है कोई, तो उस पर चार्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, कोई डायग्राम दिखाना पड़ सकता है, कोई टेबल दिखानी पड़ सकती है इस तरह की, तो इलस्ट्रेशन वगैरह इन चीज़ों के लिए इमेजेस काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग एन इमेज इन योर वेब पेज यूजिंग HTML, ये हम चीज़ कवर कर रहे हैं। पिक विच इमेज फॉर्मेट टू यूज़, कि कौन सा फॉर्मेट आपका बेस्ट रहेगा और कौन कौन से अवेलेबल फॉर्मेट है, ये भी एक बात। शो एन इमेज एट द राइट साइज़, कि कितने साइज़ पे उसको एग्जैक्टली डिस्प्ले कराएं तो बेस्ट रहेगा,
ऑप्टिमाइज एन इमेज फॉर यूजिंग द वेब पेज लोड फास्टर. अच्छा ये अब उधर तो लिखा हुआ था सिर्फ ऑप्टिमाइज, अभी इसने क्या है एक्सप्लेन कर दिया कि हम ऑप्टिमाइज किस चीज़ के लिए करेंगे कि लोड फास्टर हो, जल्दी से लोड हो जाए इमेज, यानी इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो. वैसे तो इमेज का साइज़ बड़ा होगा तो वो इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि हम जब कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो वो काफ़ी बड़े साइज़ की फ़ोटो होती है, 10-12 MB तक की होती है, लेकिन वो 40-50 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो होती है, काफ़ी शार्प होती है, काफ़ी डिटेल होती है उसके अंदर, तो लेकिन वो इमेज बहुत स्लो लोड होगी, 10-12 MB का डेटा लोड होने में शायद 5-6-10 सेकंड लग जाए अगर अच्छा इंटरनेट भी है तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्या हमें रिक्वायर्ड है? नहीं, हमें इतनी क्वालिटी रिक्वायर्ड है कि हमें यहाँ पे दिख जाए. तो हम उसकी क्वालिटी को ऐसे लेवल पे लेकर आएंगे कि उसका साइज़ भी कम हो जाए और क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो भी ना हो जाए, ब्लरी भी ना हो जाए. तो कहीं बीच में एक, हाँ कहीं बीच में एक उसका होगा ऑप्टिमाइजेशन का, कहीं बीच में एक वे होगा जहाँ पे हम उसको ला के रखेंगे. ये एक साइट ये बना रहा है ड्यूरिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर के ख़त्म होने तक आपसे भी ये साइट बन जानी चाहिए, सही है. अच्छा ये जो मैं कहता हूँ ना बन जानी चाहिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा है ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपसे साइट बनवाऊंगा मैं और पीछे से उसको मैं भेज दूँ. होता है ना यार कि भाई एक साइट से बच्चों से बनवाते जाओ और दो सेल करते जाओ, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा हो सकता है क्या, कोई पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की? नहीं है, ठीक है. तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा. ये आपका बेनिफिट है कि जब मैं ये चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस क्लास जब आप ये क्लास कंप्लीट करें तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो कि यार ये मैंने किया है, ठीक है. इसका ज़रा बटन प्रेस कर देना, स्लीप में चला गया ये. ठीक हो गया. तो जॉब इंटरव्यूज़ जो है ना भाई वो पोर्टफोलियो में मिलता है, डिग्री विग्री का टाइम चला गया है. तो आपके पास एट द एंड ऑफ दिस कोर्स ना कुछ हो दिखाने के लिए, आपके अगर अम्मी अब्बा पूछ लें कि भाई क्या कर रहे हो तो कुछ हो दिखाने के लिए, और सैलानी के हायर ऑफिशल्स का भी मुझसे पूछें कि बच्चे क्या कर रहे हैं आपके, तो मेरे पास भी कुछ हो दिखाने के लिए. ठीक हो गया. तो ये आपका सरासर इसमें फ़ायदा है, आपकी गिटहब की प्रोफाइल मेंटेन होगी ना और आप सीवी के साथ लगा के भेजेंगे तो काफ़ी भारी भरकम इफेक्ट पड़ता है उससे. और ज़ाहिर है कोडिंग प्रैक्टिस वाली चीज़ है, तो जब तक आप शुरू दिन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर होगा भी नहीं है. एकदम चाहेंगे ना कि अब मैं करना शुरू कर दूँ तो फिर होगा भी नहीं, शुरू दिन से करोगे प्रैक्टिस तो होगा. तो ये साइट यार आपने बना लेना है और इसको गिटहब में एक अलग से रिपोजिटरी बना के ना और प्रॉपर एक नाम रख के आपने पुश कर देना है. अच्छा, चूजिंग इमेज फॉर योर साइट. सबसे पहले ये बात आ गई कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कौन सी इमेज चूज़ करें. अ पिक्चर कैन से अ 1000 वर्ड्स एंड अ ग्रेट इमेज हेल्प मेक अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज लुकिंग साइट एंड अ रियली इंगेजिंग वन. कह रहे हैं कि भाई इमेज जो होती है ना एक, वो 1000 वर्ड्स होती है. एक इमेज जो होती है वो एक 1000 वर्ड्स होती है, 1000 वर्ड्स की इक्वल होता है. जो चीज़ आप इमेज के ज़रिए दिखा सकते हैं वो चीज़ आप अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो शायद आपको 1000 वर्ड्स उसके लिए लगें. ठीक है, मिसाल से समझ लेते हैं सीनरी की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, हाँ यही होती है. भाई कितनी छोटी क्वालिटी में खुली है. अब ये एक पिक्चर है, इसको अगर आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? ये एक पिक्चर है, एक इमेज है, ये एक कमरे में टेबल है, लैंप है और जी आ जाता है. आप पिक्चर कैन से अ 1000 वर्ड, इसने ये बोला कि बोलेगी बोलेगी, कह रहा कैन से अ पिक्चर कैन से कि हो सकता है. हाँ ये, हाँ तो आप कुछ और देख रहे होगे, वो कुछ और देख रहा होगा, तो पिक्चर कैन से अ 1000 वर्ड.
अच्छा, कह रहे हैं कि एक पिक्चर ही डिफरेंस है किस में, एक एवरेज लुकिंग साइट में और एक रियली इंगेजिंग वेबसाइट में। कुछ वेबसाइट्स होती हैं आप जाते हैं वो थोड़ा इतना फील नहीं कराती आपको, आप इंगेज नहीं हो पाते। कुछ वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है। तो इनके ख्याल में जो राइटर हैं, इनके ख्याल में ये पिक्चर ही उसका जो है ना मेन डिफरेंस है, रीज़न है। अच्छा, अब ये फ़ोटो आपको मिलेगी कहाँ से? स्टॉक फ़ोटोज़ की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आपको मिलेगी ये, राइट। अच्छा, ये स्टॉक फ़ोटो की कुछ वेबसाइट का इन्होंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसमें से ज़्यादातर जो है वो पेड हैं, लेकिन हम जाके क्या लिखेंगे गूगल पे, हम लिखेंगे फ्री स्टॉक इमेजेस। सही है, तो फ्री स्टॉक इमेज जब मैंने लिखा ना, तो ये पिक्सल्स के नाम से एक आ गया और पिक्सल बे के नाम से, अनस्प्लैश के नाम से ये, ठीक है। तो किसी में भी आप जाके विज़िट कर लें, जैसे ये अनस्प्लैश है, तो वेबसाइट बनाते हुए आपको डिफरेंट किस्म की फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे अब मैंने कहा कि भाई मुझे लंच करते हुए ना बंदे की फ़ोटो चाहिए, सही है ना। आप किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको लंच करते हुए बंदों की फ़ोटो चाहिए, तो मैं लिखूँगा लंच और एंटर करूँगा तो ये फ़ोटोज़ आ जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, तो आप सोचेंगे यार ये तो गूगल पे भी लिखूँगा मैं लंच तो वहाँ पे भी आ जाएंगी फ़ोटोज़, तो मैं यहाँ क्यों आके सर्च कर रहा हूँ अनस्प्लैश पर? किसी के पास जवाब है इसका, बता सकता है कोई? अच्छा, मैं जाके गूगल पे लिख देता हूँ ना लंच लिखा मैंने और इमेज पे चला गया, सेम बात लिखी मैंने दोनों जगह, यहाँ पे भी फोटोज आई है। एक ही है दोनों। देखो, गूगल ने यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ गूगल ने? इमेज मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। गूगल बोल, अच्छा गूगल इसको डिफरेंट रेजोल्यूशन में दिखाता है, पता है आपको? गूगल कभी भी ओरिजिनल रेजोल्यूशन नहीं दिखाता, वो थोड़ा डिफरेंट रेजोल्यूशन दिखाता है और लो करके दिखाता है ताकि वो कॉपीराइट से खुद बच सके, क्योंकि गूगल की भी तो दिखा रहा है ना उसकी इमेज को, गूगल भी तो अपनी वेबसाइट है ना, गूगल की साइट है ये, किसी और की इमेज ला के यहाँ दिखा रहा है, तो इन पर कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए, इस वजह से ये इसकी उसको रेजोल्यूशन को चेंज कर देते हैं। और नीचे देखो यहाँ रेजोल्यूशन मैंशन भी कर दिया है कि ये एक्चुअल में 1200x630 है, लेकिन यहाँ पर ये 1200 की रेजोल्यूशन में नहीं दिख रहा। तो बहरहाल कुछ ये कानूनी जो लेजिस्लेशंस होती हैं उनसे बचने के लिए इन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हुई हैं, ठीक है। इसके कुछ पिक्सल विक्सल भी पता नहीं चेंज करते हैं ये, तो ये सब कॉपीराइट हो सकता है इस इमेज का। गूगल ने हाथ उठा लिया कि भाई हमारा मसला नहीं, आप अपने रिस्क पे देख लो जो भी करना है। ऑन अदर हैंड, जब यहाँ पे आप आते हैं ना, तो फ्री स्टॉक इमेज की जब बात आ जाती है, तो मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने ये वाली फ़ोटो यहाँ से उठा ली, ठीक है। तो अब ये ना देखो बता रहा है कि पब्लिश हुआ है ये इतने इतने को फलां कैमरे से खींचा गया है और फ्री फॉर यूज़ अंडर द अनस्प्लैश लाइसेंस। अब अनस्प्लैश का जो लाइसेंस है ना वो आप रीड कर लीजिएगा, वो मतलब पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, मैंने तो खुद कभी वो नहीं किया रीड। अब क्या क्या परमिटेड है, क्या क्या नॉट परमिटेड है, यहाँ पर आपको पता चल जाता है। फ़ोटोज़ कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है। इस फ़ोटो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते आप, ठीक है। कंपाइलिंग फ़ोटोज़ फ्रॉम अनस्प्लैश टू रेप्लिकेट अ सिमिलर कंप्यूटिंग सर्विस, पता नहीं ये क्या लिखा है इसने। वेल, ऑल फोटो कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री, कमर्शियल नॉन कमर्शियल पर्पसेस। आप अपनी वेबसाइट, आपकी कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, उस पर आप लगा सकते हैं। नो परमिशन नीडेड थ्रू एट्रीब्यूट इज़ अप्रिशिएटेड, ठीक है। कह रहा है कि भाई आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए इस इमेज को अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए, लेकिन अगर आप क्या कर दें उस पर एट्रीब्यूशन लगा दें, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप लिख दें कि यार ये इमेज ना फलां बंदे की है, तो वो अप्रिशिएटेड है उसकी भी, लेकिन ज़रूरत नहीं है अगर आप ना भी लिखें तो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टॉक इमेज में और जो गूगल सर्च, अच्छा गूगल सर्च में यहीं से उठ के जा रही होती है, लेकिन गूगल सर्च में हमें नॉट श्योर कि भाई ये मतलब कॉपीराइट वाला सीन ना हो जाएगा। अच्छा, कॉपीराइट का अगर सीन होता है तो होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है, सही है, होता कुछ भी नहीं है। तो जिस बंदे का कॉपीराइट होता है ना, अगर उसकी नज़र पड़ गई उस पर, सही है, वैसे ही वैसे उसकी अगर नज़र पड़ गई तो वो क्या करेगा, वो ईमेल लिखेगा, आपके जो डोमेन प्रोवाइडर है जो भी उसको ईमेल लिख देगा, या कुछ कंट्री में अथॉरिटीज़ होती हैं उसको ईमेल लिख देगा कि भाई ये वेबसाइट है इसने मेरी इमेज लगाई हुई है तो आप कुछ करो, तो बस वो अथॉरिटी फिर आपके डोमेन, आपके पास ईमेल आएगी आपके भाई, हाँ फिर वो आपका डोमेन जो
प्रोवाइडर है ना, वो कुछ उनका रूल रेगुलेशंस होते हैं, पता नहीं DMCA है और क्या होता है उसका नाम, तो उसके तहत वो आपकी वेबसाइट को वो रोक देगा, ठीक है, अनहोस्ट कर देगा आपकी वेबसाइट को, मतलब इस तरह के कुछ हो सकते हैं मामला। अगर गूगल पे किया हुआ तो गूगल आपको बोलेगा कि यार उसको हटा दें, या ख़ुद से उसको हाइड करना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ वो करेगा, मतलब ठीक है, कोई ना कोई मस्ती करेगा, या हो सकता है कि किसी खास रीजन में आपकी वेबसाइट चलना बंद हो जाए, तो इस तरह के इशूज़ हो सकते हैं कॉपीराइट की वजह से। ज़ाहिर आपके घर पर तो नहीं कोई आ जाएगा क्या? नहीं, वो आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है वो आपको ईमेल करेगा, अगर उसके पास कोई कंप्लेन आती है ना। देखो कंप्लेन कहाँ कहाँ आ सकती है, आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है जहाँ पे आपने होस्ट किया हुआ है, जिससे आपने अपना डोमेन कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पे आ सकती है, आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके पास आ सकती है, तो जहाँ पे भी आएगी ना आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, स्टिल आपके घर पर कोई नहीं आएगा, आपको उठा के नहीं ले जाएगा कोई, हाँ, तो बस ये वाले सीन है, ठीक है भाई। तो इस इमेज के बारे में इन्होंने जो जो डिटेल थी ना वो यहाँ पे लिख दी है, और इन्फो पे अगर मैं क्लिक करूँगा मजीद, अब इन्होंने बोला है वो नाम लिख देना, नाम तो बंदे का लिखा ही नहीं है, बस मेरे ख्याल है कैमरे का ही नाम लिखा है इन्होंने, बंदे का नाम नहीं लिखा कि जिसने ये डाली इधर फोटो। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर हायर भी है, ये सही है भाई, इसको आप हायर भी कर सकते हैं। क्लिक करते हैं ज़रा स्पेंसर के पास, क्या कर रहा है ये। अच्छा, ये हायर कर सकते हैं इसको आप, ये इसने जो फोटोग्राफी की है सारी उधर लगाई हुई है, और बस अगर आपको पसंद आ रही है, आपने भी करवानी है फोटोग्राफी अपनी शादी की बस आप इधर आ जाओ फिर इसके पास, ठीक हो गया। तो बस ठीक है, इसका नाम हमें लिख देना है, तो अप्रिशिएशन है, लेकिन आप ना भी लिखें तो खैर होगी। अच्छा, बस ये डाउनलोड फॉर फ्री, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अच्छा, डाउनलोड फॉर फ्री जब हमने किया तो ये 2.9 MB की है इमेज आपके पास क्या हुई है, डाउनलोड हो गई है, ठीक है। इसको मैं व्यू इन फाइंडर करता हूँ, और व्यू इन फाइंडर करने के बाद यहाँ पे देखो मुझे ये बता रहा है कि 3 MB ऑलमोस्ट ये इमेज साइज़ में है। अच्छा, अब ये जो 3 MB की इमेज है ना, अभी हम आगे देखते हैं अभी क्या बताने लगा है आगे, बुक कहाँ गई हमारी, ये रही। अच्छा, तो ये स्टॉक फ़ोटो समझ गया आप, स्टॉक फ़ोटो से आपने जो है ना इमेजेस डाउनलोड करनी है अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, या तो खुद अपने कैमरे से खींची है तो वो भी ठीक है। अच्छा, अब इमेज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इमेज आप लगा रहे हैं, अभी उसको लगाएंगे कैसे और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे वो अभी आगे इसी बुक में आ जाएगा। इमेज आपकी ना रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, इररेलीवेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी नहीं कि बिला वजह की फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, हाँ, इमेज रेलिवेंट होनी चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम कुछ रेलेवेंट इमेजेस देख सकें, जैसे हमने एप्पल की वेबसाइट खोल लेते हैं, काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, तो इनकी जो इमेज है वो क्या है, चला गया, कहाँ चला गया यार, उनका वैसे ही बेकार था पिज़्ज़ा, एक दिन उन्होंने वैसे ही बंद होना था ये ब्रॉडवे वाले भी अभी बेकार कर दिया उन्होंने, ये भी बंद हो गया, मतलब ब्रॉडवे का अच्छा ही था ना, पिज़्ज़ा हट का तो इतना अच्छा नहीं था, कभी भी नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा कन्वेंशनल सा था उसका, कोई एक्सेप्शनल हो ना फिर वेल। तो यार ये हम एक वेबसाइट पर आ गए, अब देखो ये इस इनकी जो इमेज है ना वो रेलेवेंट कैसे है, ज़रा गौर करो इसके ऊपर। यहाँ पे apple.com का जो मेन पेज है ये सबसे मतलब टॉप की जगह है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, iPhone 14 जो इनका अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो उसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, और साथ में इन्होंने लाइन लिखी है स्लोगन बिग एंड बिगर, कि इस दफ़ा हमने एक बिग मॉडल निकाला और एक बिगर मॉडल निकाला है, और इस तरफ बिग है तो इधर बिग वाले की फ़ोटो है, उस तरफ बिगर है उस तरफ बिगर वाले की फ़ोटो है, ठीक हो गया। और ये हाथ, और ये हाथ काले क्यों हैं, गोरे भी तो हो सकते थे, रेलेवेंस है, सही है, सिंपैथी है सही है, तो ये थोड़ा न्यूट्रल फील होता है, जो ब्लैक वाले हाथ हैं ना वो न्यूट्रल फील होते हैं, जो गोरे हाथ हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल फील नहीं होते, वो बायस्ड फील होते हैं। अच्छा, ये गोरों की कंपनी है, अच्छा बेटा ठीक हो गया, हमारे लिए थोड़ी बना रहे हैं, गोरों के लिए, तो इसलिए इन्होंने हाथ भी थोड़े काले रखे हैं। अब आप नीचे जाते जाओ और देखते जाओ, वो काले ही होगा सब जगह,
ठीक है, गोरे कहीं नहीं होंगे, गोरे वहाँ होंगे जो लोकल उस एरिया में जो ऐड चल रहा होगा। ग्लोबली जो भी चलाएंगे वो आजकल काले चल रहे हैं मार्केट में, सही है। अब देखो ये एक स्क्रीन हो गई, रेलेवेंट इमेज हो गया। अच्छा अब आगे आ जाओ, तो भाई कहाँ चला गया इमेज, अभी तो इधर ही थी। हाँ ठीक है, गिव अ वाओ। अच्छा, दिस हॉलीडे सीजन फाइंड द परफेक्ट गिफ्ट फॉर एवरीवन, शॉप द गिफ्ट गाइड। अब ये इनका एक ऑप्शन होता है कि आप फ़ोन अपने पैसे दे के ख़रीदें लेकिन किसी और के एड्रेस पे पोस्ट करवा दें उसको, तो ये इनका एक ऑप्शन होता है कि उसको डायरेक्ट एप्पल की तरफ से वो पैक शैक करके ना वो अच्छा सा ला के देंगे। हाँ, मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरे सिटी में रहते हो, अब वो बंदा किसी दूसरे सिटी में रहता है, आपका बच्चा है जो भी है, बच्चे को तो खैर नहीं देता बंदा ये वाले गिफ्ट खैर जिसको भी देना है तो उसको भी पहले आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, पता चले उसके पास पहुँचे वो बोले पता नहीं क्या है ये। खैर तो इनका ये ऑप्शन है, तो देखो इन्होंने ना एप्पल के साथ वो एक फीता सा लगा दिया है कि यार वो फील करा रहा है कि गिफ्ट और एप्पल कुछ, ठीक है, तो रेलेवेंट इमेज है। अच्छा अब यहाँ देखो, आप एप्पल कार्ड, इन्होंने अभी क्रेडिट कार्ड वगैरह भी लॉन्च कर दिए हैं, सही है। तो कह रहा है कि भाई न्यू कार्ड जो होंगे ना उस पर 5% आपके जो है ना बचत हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? 25 दिसंबर तक हो जाएगी, ठीक है। और कार्ड किस किस चीज़ से चल जाते हैं वो सारा इसने लिखा हुआ है। फ़ोन से चल जाते हैं, अगर आपके पास एप्पल कार्ड है तो आप फ़ोन से टैप करके भी पे कर सकते हैं, वो जो कार्ड में NFC होता है ना वही फ़ोन में भी होता है, तो एक ही बात है। मैक से चल जाता है, इनकी घड़ी से चल जाता है, कार्ड इटसेल्फ खुद चल जाता है, और शायद एयरपोर्ट से भी शायद चल जाता है। आई एम नॉट श्योर कि ये इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी चल जाता हूँ। नहीं नहीं बाय नहीं कर सकते, ये चलता है, देखो ना इससे और इससे तो चलता है, घड़ी से और फ़ोन से तो चलता है, पक्का पता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वेल तो इमेज रेलिवेंट है, अभी बात ये हो रही है कि इमेज रेलिवेंट है। अब देखो यहाँ पे ये पानी में क्यों घूम रहे हैं, सही है। अब ये इन्होंने सारी प्रोडक्ट्स का थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, आईफोन 14 प्रो बियॉन्ड, सही है, और एयरपॉड है शेयर विद जॉय, तो मतलब ये हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं बर्फ़ में उड़ रहे हैं, ठीक है। और एप्पल वॉच अल्ट्रा में इसका एक व्यू दिया हुआ है इन्होंने, तो मतलब इन्होंने हर जगह पे ना इमेज रेलिवेंट लगाई हुई है। अब ये मूवीज़ देख सकते हैं, अब एप्पल टीवी का इश्तहार है तो उसमें इन्होंने ये सारा जो है ना मूवीज़ का किया हुआ है। अच्छा अब मैं किसी इस पर चलता हूँ, मिसाल के तौर पर इस वाले पर हम चलते हैं, लर्न मोर। तो पहले ही स्क्रीन पे ना आपको क्या दिख रहा है? वीडियो। एक वीडियो दिख रही है और एक पूरा इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको इस वॉच का, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे ना जैसे जैसे, अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ बताता जाएगा और इसके ना थोड़ा थोड़ा सा व्यू देता जाएगा, देख रहे हो, पेनियरिंग इंजीनियरिंग। अब ये ना अपने कट्स दिखा रहे हैं, CNC डिज़ाइन, थोड़ा कट्स दिखा रहे हैं कि यार हमारे कट्स बड़े परफेक्ट हैं, ठीक हो गया। अभी ये लुक थ्रो बिकॉज इट इज़ लुक टफ, अच्छा टफ है ये। अब ये बता रहा है कि हमारा जो ग्लास लगा हुआ है ना वो टफ है, इसके अंदर लगा हुआ है ग्लास, 49mm टाइटेनियम केस है ये, ठीक हो गया, वाटर रेजिस्टेंट है ये। अब ये टफ़ क्यों है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं ये, ये थोड़ा सा घुमाया है इसने, ठीक हो गया। तो अब देखो ये दिन का और नाइट का ना मोड दोनों इसने दिखा दिया, कितनी रेलिवेंस है, लेने का दिल कर रहा है ना, बस यही चाहते हैं ये, यही अचीव करना होता है इन्होंने। अब देखो ये, अब देखो डायग्राम बता रहे हैं ये, तो देखो GPS एंटीना यहाँ पर है इसका और ड्यूअल स्पीकर यहाँ पर है इसका, देखो रेलेवेंस नोट करो इसकी, इन्होंने कोई ऐसी रेलेवेंट चीज़ नहीं लगाई यहाँ पे। देखो ये इमेज देख के ही पता चल रहा है कि कुछ बैटरी की चार्जिंग की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपको इमेजेस से बहुत कुछ ग्लिम्स में पता चल जाता है। तीनों व्यू आ गए आपके, और ये बस बच्चा हमारा भाग रहा है सहरा के अंदर, ठीक हो गया, ये देख रहे हो, मतलब वेबसाइट बनाते हैं तो ये बनाते हैं भाई, बाकी बंदे तो कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, एक जा रही है दूसरी इमेज एक साथ साथ आ रही है, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये किससे होता है? ये एक चीज़ होती है पैरालेक्स, अभी उसको अभी उसके चक्करों में मत पढ़ना, पहले बेसिक्स पढ़ लो ये, लेकिन होता ये पैरालेक्स है, ये जो आ रहा है ना ऊपर वाला कम स्क्रॉल हो रहा है, नीचे वाला स्पीड ज़्यादा स्क्रॉल है नीचे वाले की, ये पैरालेक्स से होता है, सही है।
सारे घड़ी के फीचर्स हैं। हाँ ये सारे घड़ी के फीचर्स हैं, बहुत ही कोई सर ये सेंटीग्रेड भी दिखाया नहीं, ये इसका मेरे ख्याल है वर्किंग वो है रिस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, -20 तक ही आप ले जा सकते हैं, सेफ है इसको ले जाना। सही है अंडर वाटर, पता नहीं भाई जब ये बहुत ही इन्होंने नेक्स्ट लेवल कर दिया है। ठीक हो गया, आप कितनी डेप्थ में इस वक्त वाटर के वो भी आपको ये बताएगा, इमेज से ही पता चल रहा है, देख के ही फील हो रहा है। सही हो गया, और बस ये अभी ये बहुत ज़्यादा लंबी कर दी इसने, ECG आपके कर वो तो हाँ ECG भी करेगा आपके, ये आप जब पहाड़ पे चढ़ रहे होंगे ना तो आपका दिल कब बंद हो गया कब रुक गया ये आपको बताता रहेगा। सही है, और आपका दिल अगर अचानक बंद हो गया तो फिर आपके डॉक्टर को फ़ोन भी कर देगा ये। सही है, तो वो सारा मतलब इनका वो वाला फीचर है। अच्छा तो अब तुमने ये पूरी एक इमेजेस देखी, अच्छा कन्वे इन्फॉर्मेशन, इमेज एक तो रेलेवेंट होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन कन्वे करे, तो आपने देखा उनकी साइट पे जहाँ जहाँ पे जब वो स्विमिंग की बात कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है इमेज। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्क्रीन की टफनेस की बात हो रही है, वहाँ पर LCD यूँ अंदर जाती हुई दिख रही है, फील हो रहा है कि टफनेस वो बता रहे हैं कि ये क्यों टफ है। अच्छा कन्वे द राइट मूड, अब ये राइट मूड की भी बात है बड़ी, जैसे अभी तुमने ये जो पूरी वेबसाइट देखी उसके बाद क्या मूड बना, बाय बाय मूड बन गया यार उस्ताद, यही आइटम है ना। नहीं इससे बेहतर भी आइटम है। हाँ तो इससे बेहतर भी आइटम है, लेकिन वक्ती तौर पे आपको एक मूड कन्वे किया इसने। ठीक है, अच्छा मूड क्या होता है भाई कि आपका ना जो कलर्स होते हैं इमेज के, और एक एक इमेज का जाहिर है एक इम्पैक्ट होता है बंदे पे, एक जब ये साइंटिफिकली प्रूव है ये चीज़ कि जब आप किसी अच्छी जगह जाते हैं किसी अच्छे लैंडस्केप में जाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा आप मतलब वायलेंस किस्म का सीन देखते हैं, कोई वायलेंस किस्म की वीडियो देखते हैं तो आपका मूड थोड़ा सा उस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा ये तो दो मूड मैंने बताया कि यार एक अच्छा हो गया एक ख़राब हो गया, एक आपका मूड सैड होता है, रोमांटिक मूड होता है, थोड़ा रश वाला मूड हो जाता है कभी, सही है कभी थोड़ा मतलब हरी वाला मूड होता है, तो अलग अलग मूड्स होते हैं, बहुत सारे मूड्स होते हैं अलग अलग जो एक इमेज कन्वे कर सकती है। अब मिसाल के तौर पे एक जैसे वॉच की बात हो रही थी, टफ़ वॉच की बात हो रही थी, तो वो टफ़ वाला मूड कन्वे कर रहा है कि भाई बंदा सहरा में भाग रहा है और उसने पता नहीं क्या बांधा हुआ है और फुल मतलब KGF वाला वो कर रहा है ना। हाँ सही है, तो मतलब वो एक उस तरह का मूड, अगर मैं वापस जाऊँ उस वाले पे जहाँ पे वो बच्चा हमारा भाग रहा था बहुत ही स्पीड में, मतलब यार रुक ही नहीं रहा ना, भाग रहा है भाग रहा है, ये देख रहे हो एक मूड कन्वे कर रहा है कि यार टफ़ है ये, कोई मतलब फुल मजदूरों के लिए बनाई गई है, जो पहाड़ों में चढ़ते हैं जो समुद्रों के अंदर जाते हैं, देखो टफ़ मूड कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा, और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कर रहा है कि यार मतलब है ना, देखो टफ मूड कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, तो करेक्ट मूड कन्वे करना बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट का। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोलूँगा जो टफ़ वाली नहीं होती, कौन सी होती है वो जो और नहीं हो चलिए हो ये LV होता है ना, एक ब्रांड होता है, हाँ लुई विटॉन। अब देखो ये इसका काम टफ आपको फील कराना नहीं है, इसका हाँ इसका काम आपको थोड़ा विंटेज एक तो लुक करा रहे हैं ये, आप देखो एकदम देखते ही ना थोड़ा विंटेज लुक आया, और दूसरा लुक क्या है कॉस्टली फैंसी प्रीमियम, ये प्रीमियम मूड कन्वे कर रहे हैं, ऐसे बाल आमतौर पर इतवार बाजारों में तो आपको नहीं घूमती हुई मिलेगी ना कोई खातून ऐसे बाल वाली, कहाँ मिलेंगी ये, 5-star होटलों में आते जाते कभी आपको शायद दिख जाए ऐसी। ठीक है, या फिर कोई बहुत ही फैंसी कोई आपका कोई पेंटिंग की फेस्टिवल वगैरह पेंटिंग की एग्जीबिशंस हैं उसमें आपको इस तरह की आवाम मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो आपको ना ये वो वाला मूड कन्वे करवा रहे हैं कि भाई आप सबसे प्रीमियम हो, सबसे फैंसी हो आप। ठीक है, और टफ़ वाला मूड नहीं कहीं दे रहे ये। अच्छा थोड़ा सा देखो सीन अलग अलग दिखाया उन्होंने कि यार मतलब हर तरह के सीज़न में आप पहन सकते हो उसको, हर तरह के सीज़न के लिए हमारे पे वैरायटी है। ठीक है, ये देख रहे हो प्रीमियम कह रहे हैं कि भाई हमारी वॉचेस भी हैं, वॉचेस हमारी पहनो आप। सही हो गया, अब देखो वो भी एक वॉच की
एक वॉच का इंट्रोडक्शन था, ये भी एक वॉच का इंट्रोडक्शन है। वहाँ क्या दिखा रहे थे, यहाँ क्या दिखा रहे हैं? सर यहाँ रॉयल्टी दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई बहुत ही मतलब प्रिसीजन के साथ ये तैयार किया गया है, और मतलब जो तैयार कर रहा था वो भी कोई बादशाह का बच्चा था, शहजादा था, और जो आप पहनोगे देख रहे हो बादशाहों की तरह बैठ गया। ऐसे कभी होता है काम क्या फैक्ट्री में? तो ऐसे कभी भी काम नहीं होता। एलिगेंस दिखा रही हैं, सही है। तो एक करेक्ट मूड कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि जो लुई विटॉन है वो एक महंगा ब्रांड है, इनकी हर चीज़ ही महंगी है। ये देख रहे हो, अब इसने यहाँ पे टीनएजर्स को टारगेट किया इस जगह पे। ये विंटेज लुक है, और मतलब इसको कोई एंशंट चीज़ों से पता नहीं जोड़ रहे हैं। ये एक स्टोरी कनेक्ट की है अपने ब्रांड के साथ इन्होंने, ठीक हो गया। परफ्यूम भी है इनका, हाँ नहीं नहीं परफ्यूम भी है इनका, सही हो गया। तो आपने देख लिया जो देखना था, एक मूड आपने कन्वे होता हुआ देखा है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अब रोज़ ब्यूटी पार्लर की, मोस्ट प्रॉब्ली शायद इन्होंने वेबसाइट बनाई भी हो, काशीज। अच्छा अच्छा काशी ब्यूटी पार्लर की, मुझे नहीं पता क्या है, स्पेलिंग है पता नहीं, यही होगी। अच्छा, इन्होंने क्या मूड कन्वे किया होगा, मतलब अभी पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ होगा, असूलन इनको क्या मूड कन्वे करना चाहिए? ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है, कैसा मूड कन्वे होना चाहिए इधर? शादी वाले कलर्स होंगे पहली बात तो, सही है। शादी वाले कलर होते हैं, रेड येलो टाइप के कलर होते हैं, ठीक है। और दुल्हने जो तीन चार तरह की दुल्हने तैयार होती हैं हमारे पास, एक होती है थोड़ी बिल्कुल देसी होती है, रेड रेड उसने पहना हुआ होता है और वो एक प्रॉपर मेकअप करके, एक हमारी थोड़ी वेस्टर्न टाइप की दुल्हन होती है वो वाइट फ्रॉक वाली। सर ये मेरे ख्याल आपकी पड़ी है, ये ठंडी हो रही है। तो एक थोड़ी वेस्टर्न टाइप होती है वो वाइट कलर की फ्रॉक, और वो उसने नीचे मतलब जो पूरा वाइट वाला गेटअप होता है, और वो रेबन, और वो हाथ में जो ट्रांसपेरेंट वाले ग्लव्स और पता नहीं क्या, सही है। हाँ नहीं, एक उस तरफ वाली है ना, अभी बीच में फिर उसके बहुत सारे हैं। हाँ, फिर नॉर्थ नाजमाबाद वाली DHA वाली दुल्हन है, ठीक है। वो एक अलग तरह की दुल्हन होती है, आपको देख के फील होता है कि हाँ यार ये DHA वाली दुल्हन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉबली इन्होंने वो सारी तरह की दुल्हनें कहीं ना कहीं दिखाई होंगी, और क्योंकि ये खुद DHA वगैरह में बैठे हुए हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी होगी, और DHA की आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वैसा वाला मूड कन्वे किया होगा। DHA की आवाम को क्या चाहिए? फॉरेनर्स वाला नहीं, उनको भी यही चाहिए, स्लीक प्रीमियम एलिगेंस चाहिए उनको, ठीक है। उनको भाई कि हम सबसे बेस्ट दिखें, ठीक है। तो वो वाला मूड कन्वे किया होगा मोस्ट प्रॉबली। अच्छा, इनके इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं, तो अभी ये तो काशी, तो आर्टिस्ट काशी स्टोर आ गया ये तो, बस ठीक है। सामने सीधा शादी, शादी के अलावा कोई बात ही नहीं है। अच्छा देखो, शादी का लुक देने के लिए इन्होंने सिलाई की मशीन भी लगा दी है सामने, वो सिलाई मशीन लगाई हुई थी भाई इन्होंने अभी, अभी अभी इनके सिलाई मशीन लगा हुआ था इसके सामने अभी। ये देखो ब्राइडल मोमेंट, मतलब ये एक वो विंटेज होता था ना, वो सिलाई कर सिलाई मशीन मिलती थी शादियों में, पता नहीं मेरे ख्याल है वो उस विंटेज को इन्होंने, ये देख रहे हो बिल्कुल मेरा अंदाज़ा सही था ना, हर तरह की दुल्हन दिखाई हुई है इन्होंने। ये एक दूसरे तरह की दुल्हन है, ये एक दूसरे तरह की दुल्हन है, मथीरा से स्टार्ट किया इन्होंने, बस ये इन्होंने जब डाला था तो इसकी उम्र इतनी नहीं थी उस वक्त, उस वक्त से वही चला रहा है। ये देख लो, थोड़ा ये एलिगेंस वाला दे दिया, जो बिल्कुल छेल छपट वाली एक दुल्हन होती है कि सही हो गया। तो बस ये थोड़ी सस्ती वेबसाइट बनी हुई है एप्पल की साइट में, और इस साइट में आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है ना, ये वेबसाइट देखो, ये वाला जो पेज इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है, ये एक राइट मूड कन्वे कर रहा है, शादी वाला मूड कन्वे कर रहा है कि भाई आप तैयार होने के बाद ना आपकी शादी ऐसी होगी, सही है, आपकी शादी में फूल बरस रहे होंगे ऐसे। अच्छा, फिर इन्होंने कोई टेलीविज़न का कोई पता नहीं सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, हाँ भाई ये TV पे लोग तैयार हो गए इनके पास से जाते हैं, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी लोग तैयार हो गए इनके पास से जाते हैं, ये सोशल मीडिया वाले बच्चे दिखा रहे हैं।
सही है, ये इनके पास से तैयार होते हैं। तो मतलब इन्होंने मतलब शशके पूरे करा दिए इन्होंने। अच्छा तो हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि भाई बी रेलेवेंट, भाई पॉलर की है तो उसमें दुल्हनों की फोटो ही होगी तो रेलेवेंट, ठीक हो गया। कन्वे इन्फॉर्मेशन, कन्वे इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि भाई तैयार होने के बाद ऐसा दिखता है हमारे पास बंदा, कन्वे द राइट मूड, राइट मूड कन्वे कर रहा है, शादी वाला मूड बना दिया उसने पूरा, अभी कुछ लोगों को बिरयानी की भूख भी लग गई होगी इधर। अच्छा बी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल, निदा यासर को फ़ौरन पहचान लिया ना इसने दूर से, तो बस यही है बी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल। जैसे वो चार्जिंग वाला लोगो था एप्पल की साइट पे, तो मैंने देखते ही बोला कि वो चार्जिंग की कोई बिजली की बात हो रही है, बोल्ट लाइटनिंग बोल्ट बना हुआ था उसमें, ठीक है। तो वही इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल हो, ऐसा ना हो कि बंदा आए बंदे को पता ही ना चले कि यार ये हो क्या रहा है, जैसे यू फोन के इश्तहार में होता है ना आखिर तक वो कहता है नरम सा तो है गद्दा, सही है, तो वो आखिर तक पता ही नहीं चलता कि यू फोन का इश्तहार है। तो उस तरह की चीज़ ना हो, मतलब अगर कर भी लें, आपको बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं आप, अपना कोई नया मुंजा निकाल लें, मतलब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। जैसे एप्पल की साइट पे एक तरफ उसने लिखा है बिग और बिगर, तो वो नीचे बिग और बिगर की फ़ोटो भी है आईफोन 14 जो है, ठीक है। फिट द कलर पैलेट, अब ये जो इनकी वेबसाइट में ना, जो मैं कह रहा था कि एप्पल की साइट में और इनकी साइट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इनका ये जो इमेज है ना ये पैलेट में फ़िट नहीं हो रही, ये इमेज इनकी पैलेट में फ़िट नहीं हो रही, मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड और पूरा जो एक थीम है ना उसमें फ़िट, बल्कि इनका पैलेट ही नहीं है, इन्होंने कोई कलर ही नहीं डाला अपनी वेबसाइट पे, मतलब सस्ता काम और महंगा काम, सही है, साफ जाहिर है। अच्छा अभी मैं आपको पैलेट दिखाता हूँ, कोई दूसरी साइट खोलते हैं, नाइकी की साइट खोल लेते हैं, ठीक है। अब आप उनका पैलेट देखना, है उनका भी वाइट कलर, उनका भी वाइट है मोस्ट प्रॉब्ली, अभी वैसे तो चेंज करते रहते हैं ये। अब इनकी जो ये फोटो लगी हुई है ना, ये वाली फोटो जो लगी हुई है, ये पैलेट में फिट आ रही है, और इनकी भी यही फोटो लगी हुई है, आ जाओ नीचे, ये जो फोटो है इनकी काइंड ऑफ सेम थिंग है, लेकिन ये देखो पैलेट में फिट आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से ही कुछ लगी, जैसे वो सस्ते फोटोशॉप वाले नहीं करते, वो क्रॉप करते हैं जो, तो वो एजेस दिख रहे होते हैं बाकायदा, पता लगता है कि मतलब पीछे खेत में इसने अपनी फोटो कहीं और से काट के चिपकाई हुई है, लाइटिंग बिल्कुल अलग होती है, तो वो मतलब उस तरह का फील नहीं करवा रहा है, ये वैसा फील करवा रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ख़ास तौर पर ये वाली जगह, मतलब ऐसा लग रहा है एतवार बाज़ार की किसी दुकान पर आया हूँ, प्रीमियम फील ही नहीं हो रहा, स्लीकली सही है, तो ये पैलेट का कसूर है। अच्छा तो अब हम और नीचे चलते हैं, अब देखते जाओ ये पैलेट पे फिट है सारी इमेजेस, कोई इमेज ऐसी नहीं होगी जो ऐसा लग रहा होगा कि अलग से लगी हुई है, ठीक है। सब ने काले लगाए हुए हैं, सही है, मार्केट में आजकल या तो एशियन, देखो ये एशियन लगाया हुआ है इसने, और ये काले शुरू हो गए उसके बाद, सही है हाँ। देखो हालांकि ये शूज़ सारे अलग अलग कलर के हैं, लेकिन ये पैलेट पे कैसे फिट आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इमेज आपको ऐसी नहीं लग रही होगी, हालांकि ये बिल्कुल अलग कलर है, ये बिल्कुल अलग कलर है, ब्लैक और मरून बिल्कुल दो अलग कलर हैं, वाइट फिर उसके साथ शामिल है। ठीक हो गया, अभी मेंस पे चलते हैं ज़रा हम। ओ भाई ये सब जगह एक ही घुमा घुमा के ला रहे हैं, अच्छा ये डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिखाने का मकसद क्या है कि आप जब डिफरेंट वेबसाइट्स देखेंगे ना कि लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। अभी तक तो आप खुद से सोच के बना रहे थे ना कि यार अच्छा जो आपने आज तक देखा है वेबसाइट, अब आपने क्या करना है, डिफरेंट वेबसाइट्स जो है ना, जो बेस्ट वेबसाइट है दुनिया की या जो दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स हैं, ठीक है। ब्रांड्स तो सबको पता है ना यार, मैकडॉनल्ड है, KFC है, ब्रॉडवे है, ये सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। शूज़ के ब्रांड है, फिर कपड़ों के ब्रांड है, फिर हवाई जहाज़ के ब्रांड है, फिर घड़ियों के ब्रांड है, तो आपने क्या करना है, इन सबकी वेबसाइट को ना जा के विजिट करना है, चेक करना है कि यार इन्होंने क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, तो वो देखते देखते ना फिर आपकी आंखों में वो सेट हो जाएगा, फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कैसे करना है, वो मतलब आपके उसको कहते हैं ना मसल मेमोरी में चला जाएगा वो, तो आपको एक वेबसाइट देख के ही फील होगा कि नहीं यार ये कुछ मसला है इसके अंदर, आपको ये फील हो गया ना कि यार इसमें मसला है, सही नहीं हुआ ये कुछ, तो फिर हाँ फिर वो उसका हल आप निकाल ही लोगे, ठीक हो गया। अब ये देखते जाओ, ये देख रहे हो पैलेट पे कैसे फिट किया है इसने, वाइट रखा है बैकग्राउंड, वाइट और ग्रे बैकग्राउंड पे सब कुछ फिट हो जाता है,
ठीक हो गया। और कोई वेबसाइट बताओ ढंग की जो। एडिडास की साइट पे चलते हैं, adidas.com ऑफिशियल वेबसाइट खुल जा सिम सिम। सही है, सब जगह काले चल रहे हैं। हाँ सही कह रहा है, उसमें तो ब्लू आ रहा है। अब आ रहा काला, अब आ गया। ये इसने गोरी लगाई है, लेकिन ये गोरी भी ना वो कॉर्गोजन नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉर्केजन नहीं है, ये कोई दूसरी वाली गोरी है, एशियन टाइप की गोरी है ये। ठीक है, सब जगह देखो काले ही चल रहे हैं, मिक्स कर दिया इसने सारा आइटम। ठीक है, अच्छा इन्होंने तो पता नहीं ब्लैक एंड वाइट ही कर दिया शायद। देख रहे हो, एक पैलेट सेट किया, एक फॉन्ट सेट किया हुआ है इन्होंने, सिग्नेचर फॉन्ट है इनका, अलग ही है, मतलब ऐसा फॉन्ट आपने कहीं और नहीं देखा होगा, इनका एक अपना फॉन्ट बनाया हुआ है। वेल, तो हमने ये कुछ वेबसाइट्स देखी जिसमें हमने क्या अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि कलर का पैलेट क्या होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे ना पैलेट, तो आमतौर पर ना चार कलर का लोग पैलेट बनाते हैं। सही है, ये देखो ये एक वेबसाइट है जिसमें ये चार कलर वाला पैलेट लगा हुआ और पांचवा कलर जो वो ब्लैक है। अब इस पूरी वेबसाइट में ना ये वाले कलर यूज़ होंगे। ठीक है, अभी ये वाला हमारा टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह हम सीएसएस जब पढ़ेंगे ना तो इसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो ये वेबसाइट है, ये इस पैलेट पर बनी हुई है, इसमें ये चार कलर्स हैं। ठीक है, पाँचवा एक बैकग्राउंड है ये। ठीक है, अच्छा आप ना इस तरह करके कलर पैलेट बना भी सकते हैं, बहुत सारी साइट्स होती हैं। अभी वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई वो साइट कौन सी थी, कलर हंट, ये भी एक साइट है कलर हंट के नाम से, एक और भी थी वो बड़ी अच्छी है। अच्छा इसमें कलर हंट में आप क्या करते हैं, ये पैलेट्स आपको ना बता रहा होता है। अब आपको ख़ुद से नहीं समझ आ रही अगर कि अब कौन सा कलर आपको चाहिए, अब कलर की पूरी साइकोलॉजी है, कलर की पूरी डिज़ाइन डिस्कशन है जो हम सीएसएस के टाइम पे करेंगे कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, ये एक डिस्कशन है हमारी ना, तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। तो हम उस पर फिर ये इसको पढ़ेंगे कि अब देखो इसमें क्या होता है, रेशो होता है कलर का, कि एक वेबसाइट जो होती है वो एक 40-30-20-10 ये रेशो होता है। सो ये कुछ लोग इसको डिज़ाइनर अपने हिसाब से आगे भी करते हैं। तो 30% देखो ये कलर यूज़ हो रहा है उसके, 40% ये, फिर 30 ये, फिर 20 और फिर 10। ठीक है, तो इस तरह करके रेशो होता है। अब आप किसी भी साइट पे जाओगे ना उसमें आप ये चीज़ नोट करोगे तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। अच्छा हालांकि जैसे एप्पल की साइट है या नाइकी की साइट है आपको लग रहा है सिर्फ वो ब्लैक और वाइट है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर असल में वो कुछ इस तरह का पैलेट होगा जो कि आपको यहाँ पे एक ही जैसा दिख रहा होगा शायद। अच्छा ये तो जूम इन करने से ये पागल हो जाता है ना, ये वाला जो पैलेट है आपका, अच्छा कर्सर भी नहीं दिखता मेरा वहाँ। वेल तो मतलब प्रोजेक्टर पे शायद आपको ये डिफरेंस नज़र भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी स्क्रीन पे ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हैं सारे। अब पॉपुलर में जाएंगे आप तो यार इस मंथ का जो पॉपुलर है वो कुछ ये वाला चल रहा है। ठीक है, रैंडम भी आपको ये बना बना के दे सकता है, ये रैंडम इसने बना कर दिया है। ठीक है, दोबारा दबाऊँगा तो दोबारा रैंडम बना देगा ये। ठीक है, बिल्कुल रैंडम कलर्स हैं, अलग अलग हैं, चारों कलर का कोई लेना देना नहीं है आपस में। अब इसके अंदर हमारे पास देखो डिफरेंट ना मूड्स भी बनाए हुए हैं। अगर आपको बनाना है हैप्पी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, हैप्पी मैरिज वगैरह टाइप की, ठीक है, हैप्पी वाले हो गए। अच्छा आपको अगर रेट्रो बनाना है, रेट्रो मतलब विंटेज पुराने ज़माने वाला कोई लुक देना है, तो ये आपके पास विंटेज वाले कलर्स हैं, ये कलर्स उसमें हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर समर वाला लुक देना है, समर के कोई कपड़ों की वेबसाइट है, कोई समर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, उसी तरह ये आपका कोल्ड, ये सर्दियों के कपड़े, सर्दियों की वेबसाइट, सही हो गया। तो ये कुछ इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, जैसे नेचर से रिलेटेड कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, नेचुरल लुक देना चाह रहे हैं, कोई फूल पौधों पत्तियों वाला घास वाला लुक, तो वो कुछ ये वाले कलर्स इन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह ना ये कलर हंट के जैसे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं जाके। तो जैसे आप खुद तो डिज़ाइनर नहीं हैं, अब आपने कलर चूज़ करना है तो आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। ठीक है, वेल इसकी डिस्कशन हमारी अभी और आगे रहती है। ओके,
तो ये हमने भाई ये पांच ना इसके जो इमेज शुड बी, ये पांच पॉइंट्स होने चाहिए आपकी इमेज में जो भी आप अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं। अच्छा ये 3:30 से ऊपर कैसे हो गया यार इतनी जल्दी, टाइम तो बहुत जल्दी गया हमारा। स्टोरिंग इमेज ऑन योर वेबसाइट, कह रहा है कि भाई एक इमेज के नाम का फोल्डर बना लो आप और उसके अंदर आपने अपनी इमेज स्टोर करनी है। तो हम आते हैं अपने पास और कहाँ गया हमारा यार वो कोड, हाँ ये वी एस कोड में आते हैं और हम क्या करते हैं जो हमारी चार पेजेस वाली वेबसाइट थी ना सिंपल, उसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं कि 5 और इमेजेस, सही है। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाना है IMG के नाम से या इमेजेस के नाम से, और इसमें मैंने वो ला के रख देना है। वो किधर मैंने डाउनलोड की थी फ़ोटो, ये है मेरी वो फ़ोटो राइट, तो इसको मैं ड्रैग करके ला के इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ lunch.jpg कर देता हूँ, सही है। और मैं इंडेक्स के पेज पे आके अब मैंने इसको अटैच करना है, तो अटैच करना है इन्होंने कैसे बताया है कि IMG का टैग लगाओगे आप और IMG का टैग लगा के आपने अटैच कर देना है। तो ये पूरा मैं कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं क्या करता हूँ होम पेज पे ला के ना सबसे पहले नेविगेशन बार है और नेविगेशन बार के फ़ौरन बाद ना ये इमेज लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि वो जो जैसे नाइकी में लगा हुआ था ना बैनर के टाइप का एक वो फील करा दे ये, ठीक है। इसका जो साइज़ भी थोड़ा बैनर वाला है तो ये बैनर टाइप का थोड़ा फील करा दे। अच्छा अब इमेज में सबसे पहले ना ये SRC है, SRC में आपने क्या देना है उस इमेज का पाथ बताना है .slash, जैसे ही मैं करूँगा देखो सजेशन आ गई, मैंने कहा इमेजेस और lunch.jpg, ये हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें ALT करके एक टेक्स्ट लगा हुआ है, अब ALT क्या चीज़ है, अल्टरनेट टेक्स्ट है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट मैं इनका हटा देता हूँ अपना अल्टरनेट टेक्स्ट लगा देता हूँ। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या चीज़ है कि अगर आपकी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाई इंटरनेट के इशू की वजह से किसी भी वजह से, तो ये टेक्स्ट उसकी जगह पर लोड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि लंच सही है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो जो आप एक लाइन लिख दें जो बेटर एक्सप्लेन करती है इस इमेज को, फैमिली लंच फोटो, ठीक है। अच्छा टाइटल, टाइटल वो होगा जो इसके नीचे लिखा हुआ होगा इमेज के, ठीक है। तो मेरे केस में मुझे टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है, ये टाइटल चलो लगा भी देते हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि वी आर द बेस्ट फॉर योर फैमिली लंच। अच्छा अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने ओपन करना है कॉपी पाथ और ये नया टैब मैंने खोला और यहाँ पे जाके पेस्ट किया तो ये मेरे पास वो इमेज बनी हुई आ गई। लेकिन ये इमेज क्या आ गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ गई है भाई, इस तरफ भी और उस तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ गई है, तो ये तो बैनर वाली फीलिंग तो नहीं हुई, ये तो कुछ और ही हो गया। अच्छा रीज़न क्या है कि ये इमेज बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी है, सही है। अब इस इमेज को छोटा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस इमेज को क्रॉप करना होगा मुझे, ठीक है, जितने साइज़ में मुझे दिखाना है, अभी वो ऑप्टिमाइजेशन वाले पे आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए विड्थ मैं इसको कह देता हूँ कि क्या हो जाओ आप 100% हो जाओ, ठीक है, पिक्सल में भी दे सकता हूँ मैं फ़िलहाल इसको 100% कह रहा हूँ। तो इसकी जो विड्थ है ना वो 100% पे आ गई है, ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे इतना चाहिए भी नहीं, मुझे ये बंदे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बंदों का हाथ चाहिए हल्का हल्का, बैनर पे लगाना है ना मुझे इसको, मैं एस्पेक्ट रेशो लाना है 16:9 पे लेकर आना है, जो फेसबुक वगैरह में भी बैनर का रेशो यही होता है, वो मैंने लाना है। और दूसरा मैंने काम क्या करना है कि ये इमेज का जो साइज़ है ना वो 3 MB है, लोड होने में बहुत टाइम लगाएगी, इस इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है मैंने, किसके हिसाब से, अपने वेब के हिसाब से, वो अभी आगे इस चैप्टर में आ जाएगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, इमेज को लगाना सीख लिया। तो आपने क्या करना है, अब अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है जो आप पहले से बना चुके हैं या जो बुक में ये बनाकर दिखा रहे हैं वेबसाइट, आप वो बनाना शुरू कर दें, ठीक है। ये थ्रू आउट द बुक ना एक वेबसाइट असल में बना रहा है। अच्छा ये SRC पता चल गया आपको, पाथ होता है उसके अंदर, अल्टरनेट टेक्स्ट पता चल गया, टाइटल आपको पता चल गया, ठीक है। टाइटल जो है जब आप इस पर हवर करेंगे ना थोड़ी देर, तो ये देखो छोटा सा लिखा हुआ आ गया टाइटल, आ रहा है जो मैंने टाइटल में लिखा था वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको टूल टिप भी कहते हैं लेकिन असल नाम इसका जो है HTML के अंदर वो टाइटल है, कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें टूल टिप कहते हैं इसको। अच्छा तो अब ये हाइट और विड्थ जो है ना हमारा ये वाला टॉपिक, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जैसा कि शुरू में चैप्टर में ही बता दिया था कि वो क्या बना रहा है, तो कोशिश कीजिएगा आपके वो आप क्लास से आगे बढ़ के भी थोड़ा कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपने वहीं तक करना है, ये बुक पूरी आपके पास है, ये बुक आखिर तक आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, ठीक है।
बना चुके हो ये वाला? गुड, नहीं वैसे तो तुमने तुक्के में रैंडमली लगा दिए थे ना इमेज, अब समझ के लगाओगे। हाँ इसको देखो, क्या हमने सीखा कि फोल्डर में रखना है इमेज को। अब इमेज की कितनी बड़ी साइंस थी पीछे, वो सारी हमने सीखी आज। और इमेज को लगाना कैसे, इसमें SRC किया, ALT। अब ALT पता था तुम्हें पहले क्या था? ठीक है, बुक पढ़ लेते तो पता चल जाता, बुक में लिखा हुआ है। ये देखो बुक में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ALT क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपने, प्रॉपर इसको समझ के करना है जो भी करना है। ठीक है।